महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चालू है। इस चुनाव का आखिरी चरण अभी शुरू है, तो मैं सब मतदाताओं को यह संदेश देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत से दिल्ली तक, केंद्र सरकार तक, भारतीय जनता पार्टी की और अलायंस में चलने वाली सरकारें हैं। महाराष्ट्र में भी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रीय महायुति की सरकार आने वाली है। उदगीर विधानसभा मतदार संघ का विकास का अनुशेष और भी बहुत सारा बाकी है। विकास का अनुशेष पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष का विधायक यहाँ चुन के आना जरूरी है। महायुति ने डॉक्टर अनिल कांबळे जैसा उच्च विद्या विभूषित ऐसा उम्मीद प्रत्याशी यहाँ पे दे दिया है। MD मेडिसिन की डिग्री लेके पिछले 10-15 साल से आरोग्य सेवा में जुटा हुआ ये प्रत्याशी निश्चित तौर पर उदगीर विधानसभा मतदार संघ की भी सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। देहात में ज़्यादा करके अनेक कठिनाइयां हैं, पानी की समस्याएं हैं, कुछ भागों में अभी भी रास्ते नहीं है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ प्लान है? अकाल तो पिछले 5-6 साल से अकाल है। यह अकाल पूरा मिटाने के लिए हमारी सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा करने का प्रयास शुरू किया है। जो नदिया जोड़ प्रकल्प, रिवर कनेक्टिंग का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और वाटर ग्रिड के माध्यम से लातूर जिले का यह अकाल पूरा मिटाने के लिए कोकण की तरफ जो नदियां बहती है उधर बाढ़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है और इधर अकाल होने से ज़्यादा नुकसान होता है। तो वाटर ग्रिड के माध्यम से 3,200 करोड़ रुपए का अप्रूवल भी महाराष्ट्र शासन ने पिछले महीने में दे दिया है और 5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। ये चुनाव होते ही ये रिवर कनेक्टिंग का प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है। DPR अभी बना है। पानी की समस्या जल्द ही मिटाने वाला हमारा सरकार का इरादा है। और रास्ते के बारे में तो जैसा अमेरिका में रास्तों का आप सब देखते हैं, अमेरिका में जैसे रास्ते हैं वैसे रास्ते अपने जिले में, राज्य में और पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, अपने आंखों से देखा है और पूरी जनता को ये पता है कि यही सरकार कुछ कर सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन देने के लिए और लोगों का विश्वास संपादित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही आज तक शासन काल में कामकाज पूरा हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार, राज्य में देवेंद्र जी का शासन पारदर्शी और प्रामाणिकता से लोगों को उनका जीवनमान सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ है। मुझे विश्वास है यहाँ उदगीर का प्रत्याशी भी 50,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से चुन के आने वाले हैं। लोगों को मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कांबळे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आप जिताओ। अक्टूबर जो मतदान की तारीख है, पूरे कार्यकर्ता सब मतदाताओं की तरफ अभी तक अप्रोच हुआ है सबका और मतदाताओं का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रह चुका है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी बहुत सारे वोटों से यहाँ पे चुन के आएंगे।